दोस्तों, आपने फ्लिपकार्ट पर कोई भी आइटम ऑनलाइन ऑर्डर की थी और फिर आपने उसका जो पेमेंट है उसको कैश में दिया था या फिर आपने ऑनलाइन पे किया था, फिर यदि आप किसी भी आइटम को रिटर्न करके अपना जो रिफंड है उसको लेना चाहते तो कैसे ले सकते हैं, ये आप इस वीडियो के अंदर जान सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके मोबाइल के अंदर जो फ्लिपकार्ट की जो ऐप है इसको इस प्रकार से ओपन करना है और इसके बाद ये ऊपर जो आपको थ्री लाइन दिखाई दे रही है आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलता है माय ऑर्डर जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी आइटम खरीदी थी वो सभी यहाँ पे आपको दिखाई देती है। अब यहाँ पे आपके पास जो भी डिलीवर हो चुकी है आप उस आइटम को रिटर्न करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है रिटर्न, जो कि यहाँ पे आप दे सकते हैं, तो हमें इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना है कि आप इस आइटम को क्यों रिटर्न करना चाहते हैं। तो मुझे जो ये आइटम है इसकी जो क्वालिटी है वो पसंद नहीं आती, तो यहाँ पे मैं इसकी जो क्वालिटी है इसके बारे में सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद हमें यहाँ पे वापस क्लिक करना है कि हमें और इसके अंदर क्या ख़राब लगा है, तो यहाँ पे और कुछ रीजन है वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो मैं इसकी जो क्वालिटी है इसके बारे में लिखना चाहता हूँ या फिर इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लास्ट का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पुअर क्वालिटी। तो चलिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले यदि आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, मतलब आप उस आइटम को बदल सकते हैं, और यदि आप डायरेक्ट अपना जो पेमेंट है उसको लेना चाहते हैं तो यहाँ पे रिफंड का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी पेमेंट रिफंड मिलने वाला है वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अब इसके बाद यदि आप जो आइटम आपने जो खरीदी थी वो वापस आपने जो भी एड्रेस लगाया होगा उसी एड्रेस पर वापस लेने आते हैं, तो आपको जैसा पैकिंग मिलता है वैसा आपको वापस पैक कर लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी तरह से सही पैक करना है, बस आपको नॉर्मली पैक कर लेना है, क्योंकि दोस्तों वो वापस जब लेने आते तो वो वापस खोल के उसको चेक करते हैं फिर वो रिटर्न लेके जाते हैं। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे दिखाई देता है जहाँ पे वो उस आइटम को पिकअप करने के लिए आते हैं। उसके बाद आपको सबमिट रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यदि आप अपना जो रिटर्न प्रोसेस है उसको देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके उसको देख भी सकते हैं कि वो कब लेने आते हैं। तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न की जो डेट है वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं कि वो कब लेने आते हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाई देती है। आप देख सकते हैं कि ये जो डेट है उतनी तारीख तक आ सकते हैं और जो आपका रिफंड है वो लगभग 27 मार्च तक मिल जाता है, तो यहाँ पे जो डेट है वो भी आपको मिल जाती है। अब इसके बाद दोस्तों यदि आपने जो अपना जो पेमेंट है उसको ऑनलाइन पे किया है तो आपका जो रिफंड है आपने जिस भी अकाउंट से पे किया है उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है, और यदि आपने अपना जो पेमेंट है उसको कैश में दिया था फिर यदि आप अपना जो रिफंड है उसको लेना चाहते तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो थ्री लाइन है इस पर वापस क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है अकाउंट, तो आपको उस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है माय कार्ड एंड वॉलेट, तो आपको उस पर क्लिक करना है और व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना जो एटीएम कार्ड है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मतलब आप अपना जो बैंक है उसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड न्यू कार्ड का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, यहाँ पे आप अपना जो एटीएम कार्ड है उसके जो आगे के 16 नंबर के जो डिजिट है वो यहाँ पे लगाना है, उसके बाद एक्सपायर मंथ और ईयर लगाना है, उसके बाद आपको अपना नाम लगाना है, उसके बाद यहाँ पे सेव कर लेना है जिससे कि आपको अपना जो रिफंड है वो इस अकाउंट के अंदर आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि ये जो बैंक डिटेल है इसको आपको पहले ऐड करनी है, उसके बाद आपको अपना जो आइटम है उसको रिटर्न करना है, तब जाके आप अपना जो कैश में लिया हुआ सामान है उसका जो रिफंड है वो आपने जो भी यहाँ पे एटीएम कार्ड ऐड किया है उस अकाउंट के अंदर आप ले सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।